बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बच्चों, आई एम इफ्रा शहीन। आज मैं आपको जो है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का एक टॉपिक समझाना चाहती हूँ। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री है बच्चों आपकी, जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर वन, इसका जो सेकेंड लास्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर वन पे, एक टॉपिक है लिमिटिंग रिएक्टेंट। आज हम ये समझते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है, ठीक है। इसको अंडरस्टैंड करने से पहले मैं आपको एक जनरल एग्जांपल देती हूँ कि हम उसी से समझ जाएंगे और उसी से इसको डिफाइन करेंगे। मैं आज इसके आपको डेफिनेशन बताऊँगी, प्लस आपको मैं इसकी एग्जांपल्स बताऊँगी। जस्ट ये टू जो हैं, डेफिनेशन और एग्जांपल्स, थ्री एग्जांपल्स मैं बताऊंगी और एक डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगी। इसमें जो है बुक पे आपका जो भी लिखा हुआ है वो हम बाद में रीड आउट करेंगे। सबसे पहले आप ये समझ लें कि आप किसी के घर में एज अ गेस्ट जाते हैं, मेहमान जाते हैं, ठीक है। आपके सामने एक चाय का बहुत बड़ा मग रखा जाता है और एक प्लेट में दो समोसे रख दिए जाते हैं। मग देख लें, आपसे भी बड़ा मग है, ये दो समोसे आपके लिए रखे गए। आपने क्या किया कि आपका रूल है कि आप एक सिप जो है वो मग में लेते हैं और एक बाइट जो है वो समोसा के लेते हैं, ठीक है। अब आप ये मग देखें, मग जो है वो फुल है, इसमें टी है और ये फुल है मग, ठीक है। अच्छा, आप इसको लेते जा रहे हैं, इसका सिप लेते जा रहे हैं और एक समोसे की बाइट लेते जा रहे हैं। 5 मिनट्स के बाद, आफ्टर 5 मिनट्स क्या हुआ, आपके समोसे ख़त्म। यहाँ पे मैं लिखती हूँ जी, समोसा एंड हो गया और टी जो है वो अभी हाफ हुई आपकी, ठीक है। अब आपने क्या किया, आप तो उधर बैठ गए आराम से, रोने लग गए। आपने कहा कि मेरा तो रूल है कि मैं तो समोसे के बगैर टी तो ले ही नहीं सकती, अब मैं क्या करूं। अब आपने क्या किया, ये जो हाफ मग है ये एज इट इज़ आपने छोड़ दिया और समोसे की प्लेट जी खाली पड़ी हुई है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। आपने चाय पीना स्टॉप कर दिया। आपने क्या कर दिया, आप एक प्रोसेस कर रहे थे, वो स्टॉप हो गया। अच्छा, अब वो स्टॉप क्यों हुआ, क्योंकि एक चीज़ जो है वो ख़त्म हो गई है, ठीक है। ये क्या हो गई, कंज्यूम्ड अर्लियर। कंज्यूम्ड अर्लियर का मीनिंग क्या है बच्चों, कंज्यूम्ड अर्लियर का मतलब ये है कि खर्च हो जाना। कंज्यूम्ड कहते हैं खर्च हो जाना, और अर्लियर का मीनिंग है जल्दी। यहाँ पे आपका समोसा जल्दी यूज़ हो गया, आपने स्टॉप कर दिया प्रोसेस, ठीक है। ये कंज्यूम्ड अर्लियर जल्दी क्यों कंज्यूम हुआ, क्योंकि ये स्मॉल अमाउंट में था। हालांकि दो समोसे तो मेरा ख्याल है 2 दिन इसको डाइजेस्ट नहीं होंगे, बट ये स्मॉल अमाउंट में था, ठीक है। तो 3 चीज़ें मुझे यहाँ से पता चली कि 2 मेरे पास चीज़ें थी, ठीक है। एक चीज़ मैं भी यूज़ कर रहा हूँ, एक ख़त्म हो चुकी है, इसके अकॉर्डिंग, इसके रिलेटिव, इसके रिस्पेक्ट, एक चीज़ मैं मेरी ख़त्म हो चुकी है, स्टॉप हो चुकी है मेरा, मैंने खाने के प्रोसेस को स्टॉप कर दिया। दूसरी चीज़ जो है वो अभी मौजूद है, ठीक है। तो इसको मैं कहूँगी ना कि इतनी आपने जो जिसके घर भी आप जाएंगे, आप उसे पूछेंगे कि भाई ये इतनी एक्सेस में तुमने क्यों बनाई थी, ये टी एक्सेस में क्यों बनाई और ये तुमने कम मंगवाए, मीन्स के ये समोसा जो है इसने लिमिट लगा दी। लिमिट का मतलब है हद। हम मुस्लिम हैं, बीइंग अ मुस्लिम हमारी कुछ लिमिट्स हैं। लिमिट्स का मीनिंग ये होता है कि एक हद लगा देना।
हद लगा देना, मीन्स कि ये मेरी लिमिट्स हैं, मैं इससे आगे नहीं जा सकती, स्टॉप कर देती है ना मेरी लिमिट, मुझे मुझे रोक देती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो समोसा है इसने मेरे खाने के अमल को स्टॉप कर दिया, लिमिट कर दिया, जिसकी वजह से हम ये कहेंगे कि ये जो समोसा है ना ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है। ये समोसा क्या है? लिमिटिंग रिएक्टेंट है, ठीक है। अब आपको पता है कि जब एक रिएक्शन हो रहा हो, ठीक है, जब एक रिएक्शन हो रहा होता है ना, तो जो दो आपस में जो है रिएक्शन कर रहे होते हैं, जो दो मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्शन कर रहे होते हैं, उसे उन्हें हम रिएक्टेंट्स कहते हैं केमिस्ट्री के टर्म में। अब मैं आपको बताने लगी हूँ कि वो दो रिएक्टेंट हैं, वो रिएक्शन कर रहे हैं, उनमें से एक रिएक्टेंट, द रिएक्टेंट विच इज, तीनों पॉइंट्स लिखने हैं। समोसा को आप माइंड में रखें तो आपको जल्दी याद हो जाएगा, द रिएक्टेंट विच इज कंज्यूम्ड अर्लियर, विच इज कंज्यूम्ड अर्लियर, ठीक है। जल्दी खत्म हो गया था ना समोसा, ड्यू टू इट्स स्मॉलर अमाउंट, ड्यू टू इट्स स्मॉलर अमाउंट एंड, और दूसरा क्या करता है, कंट्रोल द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, कंट्रोल द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट, इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट। मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, समोसे को माइंड में रखें, कंज्यूम्ड अर्लियर जल्दी ख़त्म हो गया था, स्मॉलर अमाउंट में था, ठीक है। और देखें, अगर तो मेरे पास 10 समोसे होते तो आप तो खा ही जाते, बहुत ज़्यादा खा लेते, बहुत ज़्यादा खा लेते, फिर आप बाद में कहते जी अब मुझे स्प्राइट मंगवा के दो, डाइजेशन नहीं हो रही। इसका मतलब कि उसके कम अमाउंट की वजह से मैंने कंट्रोल किया, ठीक है, खाना कंट्रोल किया, मींस कि ये जो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा ये प्रोडक्ट को कंट्रोल करेगा। पहले ख़त्म हो गया ना, जो चीज़ पहले ख़त्म हो गई तो रिएक्शन स्टॉप हो गया, इट मींस कि वो जो प्रोडक्ट बन रही है ना उसको कंट्रोल भी कर रहा है, ठीक हो गया, और रिएक्शन को स्टॉप भी कर रहा है। रिएक्शन स्टॉप होने का मीनिंग ये है कि मुझे जो है क्या चाहिए था, रिएक्शन स्टॉप होने का मीनिंग ये है कि एक चीज़ ख़त्म ही हो गई है ना, तो मुझे प्रोडक्ट कम मिली है, अगर मुझे प्रोडक्ट ज़्यादा चाहिए तो मैं उस रिएक्टेंट को ज़्यादा ले लूँगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि कंज्यूम्ड अर्लियर, स्मॉलर अमाउंट और कंट्रोल द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, ये लिमिटिंग रिएक्टेंट की डेफिनेशन है, ठीक है। एक जनरल एग्जांपल मैंने आपको दी है, अब आपकी बुक में जो फर्स्ट ईयर की बुक है उसमें जो एग्जांपल्स हैं मैं जस्ट उसको एक्सप्लेन करती हूँ। आपके पास वो कहता है कि आप जो है ना कबाब, कभी आपने घर में बनाए होंगे सैंडविच, तो उसमें आप दो चीज़ें यूज़ करेंगे यहाँ पे, नंबर वन आप कबाब यूज़ करेंगे, नंबर टू आप जो है वो ब्रेड यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब आप क्या करते हैं, हम लिमिटिंग रिएक्टेंट की एग्जांपल नंबर वन कर रहे हैं, लिमिटिंग रिएक्टेंट की एग्जांपल नंबर वन कर रहे हैं, वो जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए दी थी, जो समोसा और जो टी है आपकी वो समझाने के लिए मैंने आपको दी थी। जो आपकी बुक में लिखी हुई है वो कबाब प्लस ब्रेड है, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम सैंडविच बनाने लगे आज, आज हम जाते हैं किचन में और हम सैंडविच बनाते हैं। वो सैंडविच क्या होगा कि ब्रेड का एक स्लाइस होगा प्लस ब्रेड के टू स्लाइस होंगे और सेंटर में क्या होगा, कबाब होगा, ठीक है। अब आप मार्केट में जाते हैं, एक लार्ज जो है वो ब्रेड लेके आते हैं, लार्ज ब्रेड, इसमें मैं स्लाइसेस जो है वो काउंट करती हूँ, तो वो स्लाइसेस हैं 58 और जो कबाब हमारे पास हैं वो हैं 30, ठीक है। अब स्लाइसेस, स्लाइस कितने यूज़ होने हैं, टू स्लाइस विद वन कबाब, इट मींस मैं इसको टू पे डिवाइड करती हूँ एक सैंडविच के लिए, कि इसके टू यूज़ हो रहे हैं ना, तो टू टू द फोर, टू नाइन द 18,
इट मीन्स के जो 29 जो है वो यहाँ पे 30 है तो 29 स्लाइसेस यूज़ हो जाएंगे डबल अमाउंट में और एक एक कबाब यूज़ हो जाएगा, तो मेरे पास जो सैंडविच आ जाएंगे वो आ जाएंगे 29 सैंडविच। अब देखें यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो मैं ब्रेड लेके आए थे हम वो तो कम्प्लीटली यूज़ हो चुकी है, लेकिन मेरे पास एक कबाब जो है वो रिमेनिंग है क्योंकि 29 कबाब बने हैं ना, तो A1 कबाब रिमेनिंग है। इट मीन्स के सैंडविच और बन सकते थे लेकिन सैंडविच का प्रोसेस स्टॉप हो गया, किसकी वजह से? ये स्लाइस की वजह से। क्यों? क्योंकि स्लाइस जो हैं वो एंड हो गए। एंड होने का मतलब ये है कि इसकी वजह से रिएक्शन स्टॉप हुआ है, नंबर वन, इसकी वजह से रिएक्शन स्टॉप हुआ है। नंबर टू, इसने कंट्रोल कर दिया हमारे जो है सैंडविच को कि वो ज़्यादा नहीं बने, 30 नहीं बने। और नंबर थ्री, ये कंज्यूम्ड अर्लियर है, इट मींस कि जो हमारे पास स्लाइस है वो क्या है, वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है। जो स्लाइस है ये मेरे पास क्या है, ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है। ठीक हो गया यहाँ तक? ये मेरे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट है और कबाब एक अभी रिमेनिंग है, तो ये एक्सेस में है, कबाब एक्सेस में है और ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है। अब इसकी एक एग्जांपल जो है, एग्जांपल नंबर, इसका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसका जो है हम एग्जांपल नंबर टू है वाटर फॉर्मेशन, उसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।